अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। कहते हैं वक्त बहता है, चलता है, कहीं रुकता नहीं। सदियाँ गुजरती हैं, सदियों पर सदियाँ, सालों पर साल, हफ्तों पर हफ्ते और महीनों पर महीने गुजर जाते हैं और वक्त सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन लाहौर में एक मकाम ऐसा भी है जहाँ ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। यहाँ वक्त की तीन सदियाँ सांस लेती हैं और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप किसी हवेली में, किसी घर में या किसी ऐसी जगह नहीं आए, बल्कि यूँ लगता है कि जिसे आप तारीख़ के दामन में आ गए हैं। तारीख के इस दामन का नाम है फ़कीर खाना। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूज़ियम है और इसे जनूबी एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूज़ियम भी कहा जाता है। फ़कीर ख़ानदान की मिल्कियत भाटी गेट से थोड़ा सा आगे आए बाजार हकीमा में एक दाएँ हाथ को तीन मंजिला हवेली जो कभी मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न टोडरमल की मिल्कियत हुआ करती थी, वो हवेली अब फ़कीर सैयद नूरुद्दीन के अहले खाना के पास है। फ़कीर सैयद नूरुद्दीन बुखारी सादात से ताल्लुक़ रखते हैं। मखदूम जहानियां जहान गश्त उनके मोरसे आला हैं। इस गैलरी में तकरीबन कुछ 6,000 के लगभग नवादरात, 7,000 के लगभग सिक्के यानी 13,000 और 7,000 के करीब किताबें और इस तरह की दर्जनों अशिया मौजूद हैं जो आप देखने वालों को हैरान कर देंगी। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, अक्ल दंग रह जाती है कि ये सारा ख़जाना कहाँ से आया। ये सारे का सारा फ़कीर नूरुद्दीन और उनके जो आल औलाद है उनके पास से आया। इसके दो तीन हिस्से हैं, एक जो अजायब घर का हिस्सा है या निजी म्यूज़ियम का जो हिस्सा है उसे दरबार आली कहा जाता है। उस दरबार आली में 21 तबर्रुकात हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, उनके अहले बैत से मंसूब हैं। मुए मुबारक, जाय नमाज, उनके जो है वो जुब्बा मुबारक, दस्तार, मौला अली के तबर्रुकात, बीबी फातिमतुज़्ज़हरा के तबर्रुकात, शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन के तबर्रुकात, इमाम हसन के तबर्रुकात और जो है वो इसके अलावा हजूर गौस पाक सैयदना अब्दुल कादर गिलानी से मंसूब तबर्रुकात उस दरबार आली में रखे हुए हैं। इसके बाद दूसरी गैलरीज हैं जिसमें मेहरगढ़ की जो है वो तारीख से लेकर और आज तक के दूसरे तबर्रुकात रखे हुए हैं। ये एक ख़ज़ाना है, इस ख़ज़ाने का हिस्सा कोई 2-4-5 साल की मेहनत नहीं बल्कि 6 नस्लें बीत गईं और 7 नस्लें, अच्छा सॉरी 7 नस्लें जो है वो बीत गई और ये 7 नस्लों से ये ख़ज़ाना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के पास मुंतकिल होता चला आया। आजकल फ़कीर सैयद सैफुद्दीन साहब इसके निगरान हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें यहाँ आने की इजाज़त दी क्योंकि इस फ़कीर खाने की एक ख़ास बात यह है कि आपको आने से पहले वक्त लेना पड़ता है। मेरे साथ अलमाज साहब मौजूद हैं। अलमाज साहब जो है वो थोड़ा सा हमें बताइए इस अजूबे के बारे में, ये तिलस्म कदे के बारे में। ऑब्वियसली ये तिलस्म कदा ही है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कहते हैं यहाँ वक्त रुक जाता है। मैंने भी अपने इंटरव्यू यही कहा जी, बिल्कुल ऐसे यहाँ वक्त रुक जाता है। एंड वी रिप्रेजेंट 3 सेंचुरीज ऑफ आर्ट, 18th, 19th and 20th century, ऑब्वियसली उससे पहले का भी है। तो हम खिदमत कर रहे हैं जी लोगों की, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि किस तरह हम लोगों को उनकी रूट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये खिदमत हम बड़े पैशनेटली और पर्टिकुलरली ये फैमिली 8 नस्लों से यही काम करती चली आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फ़कीर नूरुद्दीन साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं आपसे। ये तो सारे लोग जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह एक आंख के साथ जो है वो चीचक की वजह से उनकी एक आंख ज़ाया हो गई और दूसरी आंख की बिनाई जो है वो कम होने लगी। अलमा साहब कहीं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, दुरुस्ती कर दीजिएगा प्लीज़। दूसरी आंख की बिनाई जो है वो भी कम होने लगी और ये ख़तरा पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि महाराजा रंजीत सिंह दोनों आंखों की बिनाई से महरूम हो जाएं। शाही हुकमा को तलब किया गया कि कोई इसका इलाज जो है वो तलाश किया जाए। तो उन शाही हुकमा में फ़कीर सैयद नूरुद्दीन साहब वो भी जो है वो वहाँ तशरीफ़ ले गए और
उन्होंने महाराजा को ये मशवरा दिया कि आपकी आँख का इलाज हो जाएगा मेरे साहबजादे फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन, वो आपका इलाज करेंगे। इलाज शुरू हुआ, आँख की बिनाई भी वापस आ गई और महाराजा रंजीत सिंह फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन के उससे मतलब जो विजन था उनका या जो अक्ल दानिश की उन्होंने बातें महाराजा से की उसे इतना मुतासिर हुआ कि महाराजा ने फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन को वजारत की पेशकश की और आप जो है वो वज़ीर हुए और दीवान मुकर्रर हुए, दीवान थे। इसके अलावा उनके जो छोटे भाई फ़कीर सैयद इमामुद्दीन और फ़कीर सैयद नूरुद्दीन, ये फ़कीर सैयद इन्होंने मिलकर उनका इलाज भी किया महाराजा का, और उसके बाद फ़कीर सैयद नूरुद्दीन को लाहौर का गवर्नर तैनात किया गया। ये जहाँ जो ये तिलस्म कदा जिसे मैं कहता हूँ तारीख का, और जिसे अलमाज साहब ने भी कहा है कि वक्त यहाँ आकर रुक जाता है, ये तिलस्म कदे की बुनियाद फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन साहब ने रखी। चार जो नवादिर थे वो इनके मौरिसे आला सैदना मखदूम जहानियान जहानकश बुखारी, जिनके मदार पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ है कि मैंने वहाँ हाज़िरी दी, चार वहाँ से विरसे में मिले, और बाकी मीर शाह मोहम्मद बाज से 3 लाख रुपए के इवज़ ये तबर्रुकात ख़रीदे गए और आज वो हर ख़ास आम की ज़्यारत के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। अच्छा जी, अलमाज साहब ने हमें बताया कि ये म्यूज़ियम 1905 से जो है वो लोगों के लिए खोला गया है, लेकिन शर्त ये है कि आप आने से पहले वक्त का तायुन कर लें, क्योंकि वक्त महदूद होता है और अलमाज साहब और खासतौर पर ये ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि आने वालों को ये बता सके, वरना हम ऐसे ही जो है वो तस्वीर देख कर चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी तस्वीर किस अहद की है। तो थोड़ा सा विज़िट जो है वो अलमाज साहब ने कराया है। मैं सर एक दो चीज़ों के लिए अलमाज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये बाकायदा फैमिली ट्री है फ़कीर सैयद ग़ुलाम मोहीउद्दीन साहब, जो कुछ शरीफ से चुनी आए। ये आए थे 1730 में। मैं आपको एक दो साल आगे पीछे कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। 18वीं सदी में पहले चुनी आए और चुनी से फिर वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और उसके बाद जो है वो इल्म फैज़ का और तालीम तरबियत का ये गहवारा उन्हीं की नस्ल से परवान चढ़ा और आज सबके लिए ये आम है, जो भी आना चाहे यहाँ आ सकता है। मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा सा ताखीर से पहुँचा, अलमाज साहब बहुत सारे लोगों को ब्रीफ कर चुके थे, तो बहरहाल मेरे हिस्से में जो था वो मुझे मिला। दिस इज़ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन आवर कलेक्शन। हमारी कलेक्शन की ये सबसे कदीम पेंटिंग है जी, और मिनिएचर्स आर ऑलवेज अ हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग पेंटिंग। सो द सब्जेक्ट इज बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा वॉज बॉर्न इन द वूम ऑफ फायर। तो उसकी जो फॉस्टर मदर हैं यशोदा, वो उसे लेके उसकी असल माँ देवकी को दे रही हैं, और देवकी अपने मियाँ यशोदेवा को फॉर द बैप्टिज्म। इट्स ऑल वेजिटेबल डाइज, इट्स डन इन 1480 to 1490। आप देखेंगे इट्स ऑल वेजिटेबल डाइज, और ये जो आप देख रहे हैं ये 1480-90 की दिहाई में बनी हुई पेंटिंग का पेंट वैसे ही ग्लिटर कर रहा है, बिकॉज इट्स प्योर गोल्ड। ओके, ये पेंटिंग है जी मुमताज़ अली खान की। इट्स नॉट ऑन पेपर, इट्स ऑन आइवरी, और ये इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है ग़ुलाम अली। ग़ुलाम अली के मुतल्लक दुनिया के तमाम मिनिएचर आर्ट क्रिटिक्स लिखते हैं कि ही वॉज द लास्ट आर्टिस्ट, उसके बाद इनसे अच्छा आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। और ये पेंटिंग 15 साल में कंप्लीट हुई है विद वन सिंगल हेयर ब्रश। वो जो मैंने आपसे पूछा था कि ये वो पेंटिंग है। ओके, दिस इज द पेंटिंग। ओके, प्रकार ये पेंटिंग जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिनिएचर पेंटिंग है ग़ुलाम अली साहब के हाथ की बनी हुई, 15 साल में मुकम्मल हुई, और जिस ब्रश से बनाया गया उसमें सिर्फ एक ही बाल था। मेरी तरफ कीजिए कैमरा को। एक ब्रश होता है मिनिएचर पेंटिंग में जिसे हम कहते हैं परगजा, पीछे से वो मोटा होता है क्योंकि कलर उठाना है, लेकिन उसकी टिप पर गुलहरी की दुम का सिर्फ एक बाल होता है जिससे ये पेंटिंग बनी है। वंडरफुल। ये देखें जी, ये तिलिस्म कदा भी है, अजूबा भी है, हैरत कदा भी है, आप इसको जो भी नाम दें वो कम है, इसलिए कि चारों तरफ दीवारों पर जो सजी हुई चीज़ें हैं इनके पीछे एक लंबी तारीख है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं या जो है वो पेंटिंग्स हैं। हाँ जी,
ये हर तस्वीर के पीछे जो है वो एक कहानी है, एक तारीख है, और ऐसा नहीं कि दो चार साल पाँच दस साल की जो है वो कहानी है, सदियों की तारीख यहाँ बसती है। Miniature paintings are always another source of preserving history. ये एक दूसरा सोर्स है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का मिनिएचर पेंटिंग्स। आपको जो पेंटिंग्स नज़र आएंगी, मैं किसी पेंटिंग के सामने खड़े हो जाऊंगा, दो घंटे बात हो सकती है उसके बाद। सो प्लीज लुक अराउंड। थैंक यू सर। इट्स ऑल हैंड पेंटेड शुगर कोटिंग। ओके, नाउ शो यू द मोस्ट डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव पोर्सलिन ऑफ द वर्ल्ड। ये जापान की रॉयल्टी के लिए बनती है चाइना में। 100 सेट जब आप क्लेन में डालते हो तो कुछ ओवर फायर हो जाते हैं, कुछ अंडर फायर रहते हैं, एक सेट बचता है हमेशा, और वो 100 सेट की कीमत एक सेट पर डाली जाती है। Give me your hand and feel the weight. Very light. Yeah, it's like an eggshell or a feather. Yeah. बेटा देखोगे आप? हाथ नहीं हिलाना, क्योंकि मेरा दिल ही लड़ना पड़ना ना आ गया। पॉइजन प्लेट्स। Actually, just a moment. Be patient. Okay, it's also Gandhara. ये भी सब गंधारा है। Oh wow. And these are very rare pieces. Yeah. Here, the three faces of Buddha. Buddha childhood. Buddha. When he became crown prince. Guys. And when he got Nirvana. Ah, Nirvana. Wow. Okay. Now I'm going to show you the oldest civilization till date. Till date की बात कर रहा हूँ, कल को कोई और निकला है मैं नहीं कह सकता। These are the dolls of Mehrgarh. Wow. 7,500 years old. ये बलूचिस्तान। Wow. देख ली बेटा, इंडस वैली, और ये 4,500 से 5,000 साल पुरानी है। ये 7,500 दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, ये 7,500 भी। तो 6 माह पहले तक इसकी कार्बन डेटिंग 7,500 ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 माह पहले एक खुदाई हुई, 6 माह पहले तक हम समझते थे कि ये सिविलाइजेशन 7,500 साल पुरानी है। 6 माह पहले जब मेहरगढ़ में खुदाई हुई तो उसमें से 2 स्केलेटन निकले। उस स्केलेटन्स को जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो 10,000 साल पुराने हैं। इट मींस कि ये सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी है, लेकिन हम 10,000 साल ही मानते हैं, चले। तो उनको जब एनालाइज किया गया तो उनके दांतों में सुराख करके मेखें लगी हुई थी चांदी और सोने। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि डेंटिस्ट्री का स्टार्ट मेहरगढ़ में 10,000 साल पहले हुआ था, फ्रॉम बलूचिस्तान। ओके, दिस इज आवर सेलेडॉन सेक्शन। ये जितनी आप ग्रीन पॉटरी देख रहे हैं एक्सेप्ट दीज बॉटल्स, ये बॉटल्स आपको उस पेंटिंग में नजर आएंगे जो मिनिएचर इन मिनिएचर है, उसके आगे जो टेबल पड़ा था। दीज आर द वाइन बॉटल्स देयर, ये वही बॉटल है। तो एंड इट्स अ वेरी सीक्रेट रेसिपी टू डूइंग पॉटरी। एक फैमिली है कोरिया में जो बना सकती है इसे, और कोई नहीं। आप इसका पीस ले जाएं लैब में, वो बता देंगे इसके इंग्रेडिएंट क्या है, लेकिन आज तक कोई इसकी रेशो सेट नहीं कर सका। वो एक ही फैमिली है जो सेलेडॉन्स बनाती है। एंड दीज टू प्लेट्स बिलोंग्स टू महाराजा रंजीत सिंह। दीज आर पॉइजन टेस्टिंग प्लेट्स। इफ यू पुट पॉइजन फूड इन दिस प्लेट इट विल चेंज द कलर। एंड इफ यू पुट पॉइजन और पॉइजन फूड इन दिस प्लेट द क्रैक्स विल अपीयर इन दिस प्लेट। Okay, this is the largest single piece agate. This is also agate. It's a semi-precious stone, akik hai ye.
फ़कीर सैयद नूरुद्दीन हकीम थे और महाराजा रंजीत सिंह के हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से कहा कि उन्हें एक मेडिसिन ग्राइंडर चाहिए अकीक का। तो ये उस वक़्त 7,000 रुपये में यमन से मंगवाया गया था, यमनी अकीक सबसे बेहतर होता। तो जब ये मंगवाया गया तो 7,000 रुपये बड़ी कम रकम लगती है अब, नहीं काफ़ी ज़्यादा हो गया उस टाइम। 7 रुपये तोला सोना था, 7 रुपये तो सात ओके। मैं आपको एक बात बताऊं, इन द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह मैं बताऊं आपको कि एक नानकशाही रुपया कितने का था, 13 pounds sterling। दैट वाज द इकोनॉमी। ओह यस, 7 रुपये तोला सोना है और एक घुड़सवार की तनख्वाह 7 रुपये थी, जो सबसे लो स्किल लेबर है। एक तोला सोने के बराबर जो हम आज भी नहीं दे सकते। अपने 10,000 रुपये, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, या इन द रूल ऑफ महाराजा रंजीत। चलें आ जाएं प्लीज। ये दो कुरानिक लीव्स हैं जी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल बाद लिखे गए हैं। इट्स इन कूफिक स्क्रिप्ट, जिसे नॉन अरब्स नहीं पढ़ सकते। नॉन अरब्स कांट रीड इट, कांट राइट इट। इट्स नॉट ऑन पेपर, इट्स ऑन डियर स्किन। ओ या, हुक्म यही था चमड़े पे लिखा जाएगा कुरान। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल बाद तक कुरान इसी हालत में रहा। तो जो नॉन अरब कुरान सीखना चाहता था वो सिर्फ उसे हिफ्स कर सकता था, उसे पढ़ लिख नहीं सकता था। 400 साल बाद एक शख्स पैदा होता है जिसे मैं अपने आर्ट्स का इमाम कहता हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट मैं मानता हूँ। उनका नाम था इब्ने मुकला। शिराज में पैदा हुए वो, उनका ब्रॉट अप सारा बगदाद में हुआ, बड़े जैयद उलमा के साए में पले बड़े वो। तो उन्होंने इस स्क्रिप्ट को कैंसिल कर दिया और पेपर पर लेकर आ गए कुरान। उन सब का शाहकार हम सब के घरों में मौजूद है, जो कुरान हम पढ़ लिख सकते हैं बेटा, इट डिज़ाइंड बाय इब्ने मुकला। 7 खत ईजाद किए, एक खत नहीं कोई ईजाद कर सकता, सदियों होती हैं एक खत के पीछे। फिर जाके कहीं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होते हैं, अलफ इतने खत का होगा, बे इतने खत का, लाम और नून का दायरा इतना होगा। तो इस आदमी ने 7 खत ईजाद किए विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही वॉज अ पेंटर, he was a musician, he was a carpenter, he was a mathematician, above all he was a calligrapher. to 7 khat with rules and regulation isne ijaad kiye, aur wo khat jise hum sab log padhte hain gharon mein quran jo hai, ab jante hain us khat ka naam kya hai? okay, us khat ka naam hai khat e nasakh, noon seen khe naskh। नस्ख से लफ्ज़ निकला बेटा मनसूख करना, कैंसिल कर देना। ही कैंसिल्ड दैट स्क्रिप्ट। व्हेन ही कैंसिल्ड दैट स्क्रिप्ट तो अरबों ने उसकी गर्दन पे सोड़ रख दी कि हाउ डेयर यू टू कैंसिल दैट स्क्रिप्ट। अब एक नॉन अरब जब इसे पढ़ेगा तो उसकी प्रोनंसिएशन में, उसकी किरत में गलतियाँ होंगी। उसने कहा अपना सबसे जैयद कारी लेकर आओ और मेरा सबसे नालायक शागिर्द पकड़ लो, अगर मेरे शागिर्द ने गलत पढ़ा तो मेरी गर्दन उड़ा देना। लाखों की तादाद में बगदाद में मजमा बैठा, इब्ने मुकला की गर्दन पे तलवार है, उसके शागिर्द की गर्दन पे तलवार है। तो जब एक अरब ने और एक नॉन अरब ने कुरान रिसाइट किया तो कोई फ़र्क नहीं था, अरबों को मजबूरन उसकी गर्दन से तलवार हटानी पड़ी। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट मैं मानता हूँ उस आदमी को। हाँ, जिस तरह मुहावरा है, यार तुम्हारे पास क्या करून का ख़जाना है, तुम हातमताई जैसे सखी हो, इस तरह के मुहावरे हमारे यहाँ आम मिलते हैं। अरबों में एक मुहावरा है कि क्या तुम्हारे हाथ में इब्ने मुकला जैसा गुण है। इस क्ला 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आर्ट के बलबूते पर। He's telling about the guy इब्ने मुकला who wrote this grammar for writing Quran. Mm-hmm. No, not grammar, script. Script, yeah. He changed that script for non-Arabs. They bring it from the deer skin to the paper. ये काचार पीरियड, वो लंबी दाढ़े वाली आपने पेंटिंग देखी ना जो फतेह शाह काचार के दौर का लिखा हुआ, इट्स ऑल हैंड पेंटेड, हैंड रिटन, इट्स प्योर गोल्ड, लेपिस लजूरी, शिंगरफ। ओह वाओ, इट्स ऑल हैंड पेंटेड। लुक एट दिस,
ये वो स्क्रिप्ट है जिसे हम पढ़ लिख सकते हैं, ये खते नस्ख है बेटा, याद रखना और दूसरों को पास ऑन करना ये चीज़, क्योंकि आप म्यूज़ियम से अगर सीख के नहीं जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बागे जना चले जाया करो। सो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना इन रेड, इस ट्रांसलेशन, ये तर्जमा है कुरान का, और ये तफसीर है तफसीर हुसैनी के साथ, द डिटेल ऑफ वर्सेस, इट्स ऑल हैंड रिटन। नो वंडर दे यूज्ड टू लूज देयर आइज आईसाइट्स। यस, इतनी डिटेल करेंगे तो आंखें खराब होंगी ऑब्वियसली। लेकिन वो एक यूट्यूब पे एक मूवी है मिनिएचरिस्ट ऑफ जूनागढ़, अंधा हो गया हुआ आदमी मिनिएचरिस्ट था, तो उनकी बीवी तारफ़ करवाती हैं किसी से, नसीरुद्दीन शाह एक्ट करते हैं उसमें, तो नसीरुद्दीन शाह की बीवी तारफ़ करवाती हैं, जी ये मिनिएचरिस थे और इन्होंने अपनी आंखें गवा दी हैं मिनिएचर करके। उन्होंने कहा बेटा बेगम गवाई नहीं कमाई है। ओके, राजा पोरस की बात हो रही थी नीचे, द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ पंजाब हु डिफीटेड अलेक्जेंडर। दुनिया का कोई म्यूजियम बेटा उसे क्लेम नहीं करता, कहीं भी उसकी कोई चीज़ मौजूद नहीं एक्सेप्ट फकीर खाना। नाउ आई एम गोना शो यू द पर्सनल रिंग ऑफ राजा पोरस, इट्स अ सील, ही इज वेयरिंग देसी टर्बन, सनफ्लावर इन हिज टर्बन, बिग इयर रिंग्स, दिस इज द फेस ऑन इट, ही इज राजा पोरो हु डिफीटेड अलेक्जेंडर। ये पहले उतार लें। जी देख लें, एक्चुअली ये सील है, जब वो स्टैंप लगाते थे ना वैक्स पे तो ये सील है, उनकी शक्ल बन जाती थी वहाँ। 326 BC हजरत ईसा से 326 साल पहले की आई है। ओके, लास्ट पे आपको एक पेंटिंग दिखाकर फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे रास्ता दो बेटा, बेटा आप लोग आगे आ जाओ, जितनी बच्चियां हैं ये आपके ज्यादा देखने वाली चीज़ है। इनले वर्क, इसे काव करके इसमें प्योर गोल्ड फिल किया गया है जी। 58 फिगर्स आर इन इट, रेड फोर्ट दिल्ली, शाहजहां, मुमताज महल। मुमताज महल ने शाहजहां को कहा उसे बाजार जाना, उसने कहा मलकाएं तो बाजार नहीं जाते, आपके लिए जनाना बाजार महल में लगेगा। सो ऑल दीज लेडीज आर मर्चेंट्स जो सामान बेचने आई हैं। ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ, मैंने आप लोगों को क्यों आगे किया बच्चियों को, ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ गर्ल्स स्कूल्स में आज भी कायम है। दिस इज़ द फर्स्ट मीना बाजार ऑफ हिस्ट्री। बेटा आप ज़रा मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ो, देखो मुमताज़ महल अशरफियाँ दे रही हैं उस खातून को, कैन यू सी, एंड लुक एट द पर्सपेक्टिव इन दिस पेंटिंग, यू कैन फील द 3D पर्सपेक्टिव इन दिस पेंटिंग, और किसी का एक्सप्रेशन, उसके फीचर्स, उसके कलर्स एक दूसरे से नहीं मिलते, सब मुख्तलिफ चेहरे होंगे। ये हमारा आर्ट है, हमारी जमीन का आर्ट है ये, दिस इज मिनिएचर। मैंने सच कहा था कि यहाँ सदियाँ सांस लेती हैं, वक्त ठहर गया है। अगर आप ये नज़ारा करना चाहते हैं कि वक्त कैसे ठहरता है, ये मतलब एक मुहावरा है, वरना इंसान जो है वो जब पैदा होता है नन्ना मुन्ना पालने में, जिसे हम महत कहते हैं, वहाँ से फिर वो शबाब में दाखिल होता है, फिर उधेड़ उम्री, और उसके बाद उसी चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं जो कभी आईने की तरह साफ और शफाफ होता है। वक्त गुजरता है लेकिन शायद उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वक्त ठहरता है तो फिर वो सिर्फ एक जगह ठहरता है, और उस जगह का नाम है फ़कीर खाना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।